गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ये प्रॉब्लम आपकी जो सिंगल एंट्री है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड वाला, उसमें कैपिटल मेथड की ये प्रॉब्लम है। बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है, इसको ध्यान से समझिएगा। चलिए पढ़ें। मैसर्स अमन इज रनिंग अ बिजनेस ऑफ रेडीमेड गारमेंट। ही डज नॉट मेंटेन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट अंडर डबल एंट्री सिस्टम। While assessing the income of Mr. Aman for the financial year this, income tax officer feels that he has not disclosed the full amount earned by him from his business. So he provided you the following information. Sundry assets हैं, liabilities हैं। 31st March को आपकी इतनी assets थी, ये liabilities हैं। Mr. Aman's drawing for the year 2016-17 is this. Income declared to the income tax officer is this. Okay, during the year, one life insurance policy of Mr. Aman was matured and amount received was retained in the business. So question ये है कि whether the contention income tax officer is current, तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास profit आ कितना रहा है, हमने declare कितना किया है। चलिए, so पहले तो हम ये बनाएंगे, calculation of कैपिटल बैलेंस ऑफ मिस्टर अमन ऑन 31st March 16 and 31st March 17। ठीक है, तो ये 31st March 16 हो गया, ये 31st March 17 हो गया। हमारी जो एसेट्स दे रखी हैं वो बताएं कितनी कितनी हैं। एसेट्स हैं 16 की और 413 की, 16,65,000। लाइबिलिटीज हमारी जो हैं वो 4,13,000 की। तो जो कैपिटल आ रही है हमारी वो आ रही है 12,52,000 की। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो ये आपकी 28,40,000 है, 5,80,000 है, तो ये आ रहा है 22,60,000, ये कैपिटल है। ठीक है, फिर हम निकालेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट earned by Mr. Aman during 16-17। कितना earn किया है तो हमें पता है, capital as on 31st March 2017 हमारी थी 22,60,000। इसमें ऐड करिए आप ड्राइंग आपकी है 32,000 रुपीज़ पर मंथ, तो दैट कम्स टू 3,84,000। लेस करिए आप इसमें जो भी एडिशनल कैपिटल इन्होंने लगाई है, एडिशनल कैपिटल जो आपका LIC का पैसा था वो इन्होंने बिजनेस में छोड़ दिया। ठीक है, ये हमारा देखिए कितना होता है, 22,60,000 प्लस 384 माइनस 50,000, तो ये, और लेस करिए आप कैपिटल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2016, दैट इज 520। तो ये जो बैलेंस आएगा दैट कम्स टू 13,40,000, दैट इज द प्रॉफिट अर्न्ड बाय अमन। इनकम रिपोर्टेड इन्होंने कितनी की है, 9,13,000 की है, आई थिंक सो इन्होंने 9,12,000 रिपोर्ट की है, 9,12,000।
माइनस 9,12,000 करेंगे, इसका मतलब है 4,30,000 हमारी ऐसी इनकम है, इनकम नॉट रिपोर्टेड, या इसी को हम कहते हैं सप्रेस्ड इनकम, छिपा ली गई है इनकम, ये इनकम छिपा ली गई है। सो इनकम टैक्स ऑफिसर्स कंटेंशन इज करेक्ट एज अमन हैज अंडर रिपोर्टेड हिज इनकम बाय रुपीज 4,30,000। ठीक है, चलिए समझ आ गया, थैंक यू वेरी मच।